झारखंड मुक्ति मोर्चा से लोकसभा सांसद जुबा मांझी जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैम, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप जहां से जीत कर आई हैं ऐसा कहा जा रहा था कि लड़ाई जो है काफी टफ है। आप जिस जगह से जीत कर आई हैं, आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को आप किस तरह से निभाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने जिस तरह से मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जानना चाह रही हूँ, वो जो लोकसभा था, मैंने जो हमारे संसदीय क्षेत्र है, और उसमें चुनौती तो बहुत बड़ी थी, और उन चुनौतियों को जनता ने सामना किया, मतदाता ने मत दिया और उन चुनौतियों को पार किया। अब रहा, बहुत सारे काम भी करना है, बहुत सारे मुद्दे को लेकर के आगे भी बढ़ाना है, तो जनता ने जिस तरह से प्यार दिया है, और लोकसभा के लिए मैं पहली बार हो सकती हूँ, लेकिन वहाँ से कई बार प्रतिनिधित्व करने का जनता ने प्यार दिया है और उनका सेवा हमेशा करते रहे हैं, इसीलिए हमें उस क्षेत्र को भली भांति जानती हूँ, और एक एक करके उन विषयों को लेकर के, उन समस्याओं को लेकर के समाधान करने का प्रयास करूँगी। बिल्कुल, अगर आपकी बात करें तो आप सरकार में इससे पहले जिम्मेदारी भी निभा चुकी हैं, जाहिर तौर पर आप वहाँ की तमाम स्थिति से भली भांति वाकिफ हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि तजुर्बा तो आपको पहले से है, वो आपके और भी काम आएगा झारखंड के विकास में? निश्चित रूप से जनता ने जिम्मेदारी और बढ़ा के दी है। आप कल तक बहुत छोटी सी जगह में अपने प्रतिनिधित्व किया, राज्य सरकार में रह करके पूरे राज्य का अपने प्रतिनिधित्व किया, जनता ने उसी सोच के तहत आपको इतने बड़े जिम्मेदारी दे, राज्य से बाहर भी आप चले जाएं और देश का सबसे बड़ा सभा है वहाँ हमारी बात को रखें, और जितने भी केंद्र स्तर जो मूलभूत सुविधा वहाँ से मिलना चाहिए था उनको वहाँ पर बात रखें, वहाँ हमारी समस्या को रखें और हल को, इसके लिए उन लोगों ने ये जिम्मेदारी दे करके यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। इसके अलावा अगर संसद की बात करें, लोकसभा की बात करें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम कटाक्ष विपक्षी दलों के नेताओं को बोला गया, खासतौर पे अगर राहुल गांधी की बात करें, इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, माननीय देश के हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उनको बोलना अपने जो जितना देश के लिए जो संदेश देना था उन्होंने दिया, लेकिन विपक्ष के प्रति एक एक करके लोग बातों को उठाया था, उन पर भी उनको बोलना चाहिए था। जैसा काफ़ी कल आपने देख रहे थे मणिपुर की जो घटना को लेकर के बार बार विपक्ष की ओर से बात उठ रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर के बारे में भी कुछ कहे, लेकिन उन्होंने उस मुद्दे पर, उस विषय पर उन्होंने नहीं कहा। तो इससे यह लगता है प्रधानमंत्री अपने जिम्मेदारी को निभाए, अपने जो विपक्ष के मध्य के सामने में देश को संदेश देने का काम किया। क्योंकि देखा जाए, एक तरफ प्रधानमंत्री लगातार अपना बयान, अपना पक्ष संसद के पटल पर रख रहे थे, दूसरी तरफ विपक्षी दल के नेता ये मांग कर रहे थे कि मणिपुर पर इंसाफ दो, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं मणिपुर को लेकर भारत सरकार की तरफ से लापरवाही बरती गई? नहीं, लापरवाही उसको हम नहीं कहेंगे, उनकी जिम्मेदारी, पता नहीं सदन को कितना महत्व उन्होंने दिया, दो दिन चर्चा चली, उसमें कई मेम्बर्स ने उस बातों को ध्यान आकृष्ट किया, इस पर मैंने देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से ही वो जवाब मिलना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। उसको लेकर के हमारे सभी विपक्ष के सदस्यों ने उनके जब तक वक्तव्य रहा तब तक वहाँ पर अपने बातों पर अड़े रहे, ये तो अपने अधिकार है, न्याय की बात है, इसलिए प्रधानमंत्री को इस पर भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उस पर जवाब भी देनी चाहिए, और वो भी, वो भारत का एक राज है, उसको भी अपने नज़र में रखना चाहिए, और इस तरह की बात आती है तो उस पर उनको विचार भी रखना चाहिए, उन पर जवाब भी देना चाहिए। क्योंकि इसके अलावा देखा जाए तो नीट का भी मसला था जिस पे विपक्ष चर्चा चाहता था लेकिन हुआ नहीं।
नहीं हुआ नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे देश प्रधानमंत्री ने कहा है कि उसकी जांच होगी और इसमें जो भी स्त्री की संलिप्तता पाई जाएगी उस पर कार्रवाई होगी, उन्होंने ये बात तो रखी है। इसके अलावा एक और मसला है विपक्ष का, सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का मामला। नहीं बात सही है, अब हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तत्कालीन, उनको भी बहुत साजिश के तहत उनको अनान फनान में उनको जेल जाने का ले जाने का उन्होंने काम किया था। आखिरकार सत्य का जीत हुआ और हमारे माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री वो जेल से बाहर आए, कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई इस तरह का प्रूफ नहीं मिलने की वजह से उसको कोर्ट ने रिहा किया और हमारे पार्टी के वो सर्वमान्य नेता के रूप में आज हमारे राज्य में। क्योंकि देखा जाए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में झारखंड का भी जिक्र किया कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से भाषणों में किया गया। और देखा जाए चुनाव तो है, क्या आपको लगता है कि अब क्योंकि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं तो इसका सकारात्मक असर आपकी पार्टी पर पड़ेगा, जनता का असर जो है वो आपकी तरफ ज्यादा होगा? निश्चित रूप से आपने लोकसभा को देखा, इतने माननीय जो देश के प्रधानमंत्री ने कई जिलों में जा करके, झारखंड में कई बार जा करके उन्होंने अपना जनता को संबोधित किया, जनता को अपने संदेश देने का काम किया था, बावजूद ST 5 सीट से सारे के सारे उनके उम्मीदवार आज कहाँ चले गए। इसलिए विधानसभा सामने में है और चुनाव कभी भी वो करा दे, झारखंड का जनता, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडिया गठबंधन के साथ है, यह आने वाला समय ही आपको नजर आएगा। एक आखिरी सवाल आपसे जुड़ा हुआ है, तमाम चुनौतियों के साथ आप जीतकर दिल्ली आई हैं, बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगे? अरे जिस निर्वाचन क्षेत्र के, संसदीय क्षेत्र के सबसे बड़ा दो तीन मुद्दा है, वन में जो झारखंड में जो हम लोग अपने झारखंड की भाषा से करते हैं, जल जंगल जमीन में जो लोग बसे हैं और विगत केंद्र सरकार ने उसको कानून को संशोधन या सरलीकरण करने का काम किया है, उस पर हम लोग अपने आवाज़ को उठाएंगे। वन अधिकार अधिनियम कानून 2006 में बना है, जो वर्षों से जिस जमीन में लोग बसे हैं उनको बसाना है, उनका नाम से पर्चा पट्टा देना है और राज्य सरकार उसको पहल भी किया है और पट्टा देना भी काम शुरू किया है। लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह से 2018 में संशोधन किया, उसमें बड़े लोगों के लिए उस जमीन को कभी भी किसी बिना ग्राम सभा किए, जिला प्रशासन बिना अनुमति लिए उस जमीन पर उजाड़ सकता है, वैसे कानून को हम लोग ने विरोध करेंगे। और वहाँ जो लोग हमारे जो वन ग्राम में है, जल जंगल जमीन में जो लोग बसे हैं उनको बचाने का काम करेंगे। दूसरा, जो निर्वाचन क्षेत्र मेरा जो संसदीय क्षेत्र में लोहा इसका बहुत बड़ा वहाँ पर भंडार है, वहाँ पर भारत सरकार जो उपक्रम जो सेल हम लोग जिसको कहते हैं उनके द्वारा जो खनन होता है, वहाँ जितना मजदूर है उन मजदूरों को जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं दिया जा रहा है। आज भी जो खनन होता है वहाँ से लाल पानी निकलता है, उससे बहुत सारे जमीन जो उपजाऊ जमीन वो भी बर्बाद हो रहा है। दूसरा, वहाँ के जो लोग हैं उनको शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, उस पर हमें आवाज़ उठाने की बात होगी, क्योंकि कल हमें और सत्ता पक्ष की ओर से ये बात बार बार आ रहा है कि हमारे इतने करोड़ लोगों को शुद्ध जल पेयजल हमने उपलब्ध कराया, घर घर जल नल हमने दिया है, हमने प्रधानमंत्री आवास दिया है, ये कहने के लिए है, जमीन में नहीं है। आज भी वहाँ पर जिस संसदीय क्षेत्र से आ रही हूँ वहाँ आज भी लोग लाल पानी पीने के लिए मजबूर है और लाल पानी पीने से कई प्रकार के बीमारी वहाँ पर होती है, तो उसको बचाना है, ये मेरा प्राथमिकता होगा। वहाँ पर जो
ठेका सिस्टम जो सेल अपना कॉन्ट्रैक्टर को दे करके लेबर को काम कराते हैं, बाहर के लोगों को वहाँ पर काम में लगाए जाते हैं, स्थानीय लोगों को बाहर किया जाता है, जो लोग काम करते हैं उसको भी छटनी किया जाता है, उस विषय को भी यहाँ पर प्रमुखता से उठाने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मांझी जी को, जिन्होंने बताया कि झारखंड की जनता ने जीत कर इनको दिल्ली तो भेज दिया है, अब चुनौती है उस जिम्मेदारी को पूरा करने की, जिसको ये पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगी। दिल्ली से इंडिया पोस्ट ने उसके लिए ममता चतुर्वेदी।